सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो सबसे लेटेस्ट वाले 5G स्मार्टफोन के ऊपर होगी। तो अगर आपको 20,000 के बजट में एक सबसे नया एंड सबसे लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना है तो फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आने वाले पांच सबसे न्यू 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, इन स्मार्टफोन्स में आपको बजट फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी, साथ ही इसके कैमरा भी यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा एंड स्क्रीन भी इन सभी स्मार्टफोन में सबसे हाई क्वालिटी की होगी। एंड यस गाइज, फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आज मैं आपको पांच स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा उनमें से चार स्मार्टफोन इसी मंथ के अंदर लॉन्च हुए हैं, तो इस वजह से ये वीडियो सबसे लेटेस्ट वाले 5G स्मार्टफोन के ऊपर होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देरी मत करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। वीडियो की शुरुआत 15,000 वाले 5G स्मार्टफोन से करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिनका बजट सिर्फ 15,000 ही है और आपको तलाश है 15,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक सबसे अच्छे वाले 5G स्मार्टफोन की, तो डेफिनेटली ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट है और इस डिवाइस का नाम है पोको M4 Pro 5G। ऑफर्स में इसको आप 15,000 से नीचे भी खरीद सकते हो। अच्छी बात यह है कि इस फोन की प्राइसिंग काफी कमाल की है। वैसे इस प्राइस ब्रैकेट में एक फोन और आता है, मोटो G51 5G, पर ये वाला फोन स्नैपड्रैगन 480 प्लस के चिपसेट पर आता है और पोको M4 Pro 5G डायमेंसिटी 810 पर आता है, तो इस वजह से पोको M4 Pro 5G में आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। दैट्स व्हाई मैं आपको पोको M4 Pro 5G के लिए बोल रहा हूँ। अब इसकी स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। इसमें 6.6 इंच की FHD प्लस वाली IPS स्क्रीन लगी है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। एंड दोस्तों, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। डिस्प्ले का साइज काफी सही है एंड क्वालिटी भी इसकी डिस्प्ले की अच्छी है। पोको ने अच्छे वाली डिस्प्ले इस फोन के अंदर यूज की है, पर ब्राइटनेस इसमें आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन प्रोसेसर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का ताकतवर प्रोसेसर लगा है और इस प्रोसेसर पर आने वाला ये सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। 6nm पर ये चिपसेट आधारित है एंड गुड न्यूज ये है कि ये फोन टोटल 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एंड नो डाउट अंडर 15,000 दिस वन इज वेरी परफॉर्मेंस पावरफुल स्मार्टफोन। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। 3.5mm का जैक है, सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा एंड इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं। यस गाइस, इस स्मार्टफोन में डुअल कैमरे का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। दो मेगापिक्सल वाले फालतू कैमरे नहीं है एंड सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा। इसके दोनों कैमरों से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन ठीक है, ज्यादा बग्स वगैरह इसके कैमरे में आपको नहीं मिलेंगे। सेल्फी इस डिवाइस की नॉर्मल है, बट याद रहे दिस इज नॉट ए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, मतलब कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को आप परचेज मत करना। 5000mAh की बैटरी है और 33W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसके 464 के लिए आपको पूरे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, बट ऑफर्स में ये स्मार्टफोन आपको 14,000 तक की कीमत में मिल जाएगा और 14,000 के प्राइस ब्रैकेट में ये सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है। सो गाइस, अगर आपको 14 से 15,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक तगड़ा स्मार्टफोन लेना है जो आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराए एंड परफॉर्मेंस भी वहां पर आपको एक अच्छे लेवल की मिल जाए, तब आप लोग पोको M4 Pro 5G को परचेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगले नंबर पर आता है मोटो G71। ये फोन आपको 5G के साथ साथ स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड कराता है, मतलब कि कोई भी फालतू ऐप या फिर एड इस फोन में आपको नहीं मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन का काफी अच्छा होगा। एमोलेड स्क्रीन पर आने वाला अंडर 20,000 ये एक सिंगल स्मार्टफोन है। 6.4 इंच की FHD प्लस वाली एमोलेड स्क्रीन है। यस, एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन 60 हर्ट्ज का ही नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, पर एमोलेड को देखकर लोग ये सोच लेते हैं कि चलो यार 60 हर्ट्ज से काम चला लेंगे। क्वालिटी इसकी डिस्प्ले की अच्छी है, कलर्स ठीक है एंड ब्राइटनेस भी बिल्कुल ओके है, तो डिस्प्ले वाला पार्ट इस स्मार्टफोन का काफी मजबूत है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब चिपसेट का नंबर है। स्नैपड्रैगन 695 का नया चिपसेट इस फोन के अंदर लगा है और ये फोन टोटल 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। मोटोरोला की ये खास बात होती है कि इनके 5G स्मार्टफोन में आपको ढेर सारे 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है एंड गेमिंग के लिए भी ये चिपसेट काफी कैपेबल है, मतलब कि हैवी गेमिंग के लिए भी ये फोन काफी सही रहेगा। फिलहाल के टाइम में स्टॉक एंड्रॉइड वाला ये एक सिंगल 5G स्मार्टफोन है, तो अगर आपको गेमिंग के साथ साथ एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला 5G स्मार्टफोन लेना है तब ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
है। अब बात की जाए इसके फीचर्स की, इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, यानी कि पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, यानी कि हल्के फुल्के पानी और डस्ट से ये स्मार्टफोन आराम से बच जाएगा। और भाई मैं जानता हूँ इसके बैक में लगा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, पर यार अब आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है और फ्रंट में आपको सेंटर वाली 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। गाइस इसके दोनों कैमरों से आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एक 20,000 वाला स्मार्टफोन है, तो कम से कम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए था। इसके दोनों कैमरे डिसेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब कि लो लाइट एज वेल एज डे लाइट दोनों के अंदर आपको एक अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपको एकदम टॉप लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ। बात करते हैं इसकी पावर की। 5000mAh की बैटरी लगी है और 33W का टर्बो चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात की जाए इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज के लिए आपको पूरे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम यूजर नेम है, आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो नंबर 3 पोजीशन पर आता है Realme 9 Pro 5G। दोस्तों इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 मिलता है, तो ये इसको इन सभी स्मार्टफोन से काफी अलग बना देता है। और Android 12 पर आने वाला फिलहाल के टाइम पर अंडर 20,000 ये एक सिंगल स्मार्टफोन है। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें 6.6 इंच की FHD+ वाली डिस्प्ले लगी है, 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, एंड इसमें आपको 400 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, मतलब की ब्राइटनेस तो इसकी डिस्प्ले की नॉर्मल है, बट स्मूथनेस के मामले में इसकी डिस्प्ले आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी। गेमिंग के टाइम पर यहाँ पर आपको काफी अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह काफी ओके हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी ताकत की। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 750G से अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी, एंड इससे आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग्स में आराम से खेल पाओगे। और ये स्मार्टफोन टोटल 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें आप 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा, एंड यस इसमें आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। और इसकी सेल्फी में सोनी IMX471 का सेंसर यूज किया हुआ है और इसके दोनों कैमरों से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन एक अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा, एंड इसके बैक में जो प्राइमरी कैमरा लगा है 64 मेगापिक्सल का, उससे आप काफी अच्छे फोटोज निकाल सकते हो। सेल्फी इसकी लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अब बात करते हैं इसकी पावर की। 5000mAh की बैटरी है और 33W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 6GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के लिए आपको पूरे 18,000 रुपए देने पड़ेंगे। और इसके 8/128 के लिए देने पड़ेंगे आपको 21,000 रुपए। चलिए दोस्तों अब सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो अगर आपको अंडर 20,000 एक बजट फ्लेक्सी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स जीरो 5G। ये इन्फिनिक्स का पहला 5G स्मार्टफोन है और जिस लेवल की परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये फोन काफी तगड़ा है। ये फोन अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, एंड यस दिस वन इज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें 6.78 इंच की FHD+ वाली डिस्प्ले लगी है। भाई डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है और साथ ही इसके यहाँ पर आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है और 240Hz का टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कलर्स वगैरह इसकी डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं, एंड स्मूथनेस भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलेगी। चिपसेट इसमें MediaTek Dimensity 900 का लगा है। ये चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एंड ये स्मार्टफोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। एंड भाई परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एक बजट फ्लेक्सिप लेवल की मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें आप 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। 5GB तक रैम इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि इसके 8GB रैम के साथ 5GB और बढ़ा सकते हो, तब आपको 13GB तक की रैम मिल जाएगी। डुअल स्पीकर्स लगे हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, एंड सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में 48+13+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। एंड गाइस अच्छी बात यह है कि इसके दोनों कैमरों से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके बैक में आपको 30x का डिजिटल जूम मिल जाता है। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं इसकी पावर की। 5000mAh की बैटरी है और 33W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल
जाएगा। और गाइस इसमें 6 nm वाला प्रोसेसर लगा है जिससे ये स्मार्टफोन काफी कम बैटरी कंज्यूम करेगा और 5000 mAh को भी आप काफी लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे। 8 GB की रैम मिलती है 128 GB स्टोरेज के साथ जिसके लिए आपको पूरे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। एंड इसमें आप 5 GB रैम को बढ़ा सकते हो तो इस वजह से 8 और 5 13 यानी कि 13 GB तक की रैम इसमें आप कर पाओगे। सो गाइस अगर आपको 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोग इन्फिनिक्स जीरो 5G को परचेज कर सकते हो। नाउ गाइस हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले और सबसे पावरफुल स्मार्टफोन पर और इसका नाम है iQOO Z5 5G। इसके 6128 वाला वेरिएंट आपको 2000 का कूपन अप्लाई करने के बाद Amazon पर 21,990 में पड़ जाएगा। और यार अगर आप अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप iQOO Z5G के बारे में जरूर सोचें क्योंकि ये फोन आपको 22,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस का मजा देगा। एंड अगर आपको एक ऑलराउंडर टाइप वाला 5G फोन लेना है तो गाइस ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। शुरुआत करेंगे स्क्रीन से। 6.7 इंच की FHD प्लस वाली IPS स्क्रीन लगी है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। एंड यस गाइस इसमें आपको पांडा ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल जाती है तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेस्ट है। अब बात करते हैं इसकी ताकत की तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल चिपसेट। इसका अंतुतु स्कोर 5,70,000 है और ये चिपसेट 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पर यार ये स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है बट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एक फ्लैगशिप लेवल की मिलेगी। इससे आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी स्मूथली खेल पाएंगे एंड हैवी टास्क करने के लिए भी ये स्मार्टफोन बिल्कुल मक्खन परफॉर्म करेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा। 3.5 mm का जैक है पर यार इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है और LPDDR5 रैम है। मोस्टली ये सभी फीचर्स आपको एक 30,000 वाले स्मार्टफोन में मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्यारे से कैमरा की तो इसके बैक में 64 MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 MP वाली सेल्फी मिलेगी। भाई कैमरा इसी स्मार्टफोन का काफी जबरदस्त परफॉर्म करता है। लो लाइट एज वेल एज डे लाइट दोनों के अंदर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की तो इसके 6128 के लिए आपको 2000 का कूपन अप्लाई करने के बाद Amazon पर 21,990 रुपए देने पड़ेंगे। सो गाइस अगर आप लोग अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो और आपको एक फ्लेक्सी परफॉर्मेंस चाहिए तब आप लोगों के लिए iQOO Z5G एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। बट अगर आप लोग अपने बजट को इंक्रीज नहीं कर सकते तब आप लोगों के लिए इन्फिनिक्स जीरो 5G एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो भाई ये थे इस टाइम के 5 सबसे लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन जो आपको एक फ्लेक्सिप लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग इन पांचों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता iQOO Z5G को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक जय वंदे मातरम।